दी भाई, चढ़ा दी इसने, बस वाले ने चढ़ा दी भाई, कहीं से भी निकाल रहा है यार, यहाँ से ऊपर से चढ़ा के निकाल के लेके जा रहा है, बता रूल ही नहीं है, इसके ऊपर से चढ़ा के निकाल रहा है, हद हो गई यार बंदों की। नूडल्स खाए जा रहे हैं, एक साल बाद हमने नूडल्स खा लिया, लास्ट खाए थे म्यांमार में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवे व्लॉग में। तो फिलहाल अभी कैब में हम लोग, और मेरे को ना यार चाइनीज़ खाने का मन कर रहा था आज, तो खाने के ऊपर ही आई है वाली भी वीडियो, लगातार वीडियो यार ये सारी खाने पर आ रही हैं, लेकिन कोई नहीं, खाने का भी शौक़ मैं रखती हूँ, आप लोगों को पता चले। तंजानिया के वीडियो में सारे कमेंट करते थे खा ले खा ले खा ले, यार वहाँ पे मिलता नहीं था खाना, वो अलग बात है, वरना मेरे को खाने का शौक़ है। तो जा रहे हैं भाई चाइनीज़ जगह, मैं पहुँच के जगह का नाम बताती हूँ क्योंकि अभी भी डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है, लेकिन नैरोबी के ट्रैफिक ने दुखी कर रखा है, आधा एक घंटा लग जाता है यार 6-7 किलोमीटर कवर करने में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखो नज़ारे बाहर के कुछ ऐसे हैं भाई, ट्रैफिक पे लाइन लगी हुई है, ये जनाब एडवेंचर लेके पता नहीं कैसे कैसे निकाल रहे हैं भाई, पूरा एडवेंचर से तो इन्होंने कैसे कैसे करके निकाल के आगे आ गए हैं, लेकिन ट्रैफिक भाई गजब है नैरोबी में, बाहर के कुछ नज़ारे ऐसे हैं। तो मैप में मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ कि किस तरफ जा रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से ये रहा भाई रास्ता, देखो ज़रा, तो ये कुछ नज़ारे हैं, एंड दिखा रहा है 15 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो यार पहुँच के फिर बात करते हैं आप लोगों से, फ़िलहाल भूख लग रही है और बड़ा मन कर रहा था चाइनीज़ खाने का, मुझे वैसे भी चाइनीज़ पसंद है, मुझे पता नहीं मैंने वीडियोस में ये बात बताई है कि नहीं बताई, लेकिन इंस्टाग्राम पे ज़रूर बता रखी है, इंस्टाग्राम पे ये बात बहुत लोगों को बताए। तो पहुंचते हैं और फिर देखते हैं सारा सीन क्या रहता है, शायद हमने ना टर्न लेना है उस तरफ, इसलिए ये रुके हुए हैं। ना होटल में गई मैं, जो ये पीछे दिख रहा है आप लोगों को, इस पर मेन्यू में इंडियन चाइनीज़ था, मेरे को नहीं खाना था भाई इंडियन चाइनीज़, तो मैंने कहा भाई नहीं अपने को नहीं जम रहा ये इंडियन चाइनीज़, छोड़ो, तो अब किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे मिलेगा कि नहीं, अगर वहाँ पे भी नहीं मिला तो दुकानें यहाँ पे बंद होने वाली हैं क्योंकि रात के 10 बजे लॉकडाउन लग जाते हैं यहाँ पे, तो फिर उस जगह जो भी मिलेगा वही खा लेंगे, और क्या कर सकते हैं, ये लास्ट कोशिश है आज की। यार चाइनीज़ खाना ढूँढना बड़ा मुश्किल हो जाता है सच में, आप कहीं भी जाओगे ना मोस्टली आपको इंडियन चाइनीज़ मिलने में आसानी होती है, लेकिन चाइनीज़ मिलने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। अरे यार बस वाला मेरे ऊपर ही चढ़ा देगा बस को, बाप रे हद होगी, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। ये बाइक से बात हो रही है कहाँ पे जाना है, तो अभी 7:30 कुछ टाइम हो रहा है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रात को भाई घूम रहे हैं नैरोबी, देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे रात को नैरोबी में कैसा होता है घूमने का माहौल, डेंजर होता है कि नहीं, तो देखो अब क्या बनता है, आज रात को घूमना है नैरोबी, 7:30 हो रहे हैं, 10 बजे लॉकडाउन हो जाता है, तो सीन देखते हैं सारा क्या। ये यहाँ की बस जा रही है, ये नहीं पता कहाँ जा रही है लेकिन जा रही है, लिखा है नो एडमिशन विदाउट अ मास्क। अरे यार चढ़ा दी भाई, चढ़ा दी इसने, बस वाले ने चढ़ा दी भाई, कहीं से भी निकाल रहा है यार, यहाँ से ऊपर से चढ़ा के निकाल के लेके जा रहा है, बता रूल ही नहीं है, इसके ऊपर से चढ़ा के निकाल रहा है, हद हो गई यार बंदों की, तो भाई रोड से निकाल, ऊपर ही चढ़ा दी उसने। तो भाई पहुंच गए हैं ये दूसरे वाली जगह, ये है बोर्ड यहाँ का, तो यू हाई चाइनीज़ रेस्टोरेंट, और यहाँ पे ऐसे एंट्री है, तो देखते हैं यहाँ पे मेन्यू में क्या मिलेगा, क्या हिसाब किताब है, और चल के देखते हैं भाई खाना वाना, बड़ी शांत जगह यार, कहीं छुप के यहाँ पर बना हुआ है ये रेस्टोरेंट, तो बाकी देखते हैं सीन सारा क्या होता है अंदर जाके। यहाँ पे पहुँच गए हम और मेन्यू पढ़ते हैं, अब मेन्यू में क्या हिसाब किताब है, टेबल ऐसे कुछ सजा रखा है पहले से ही, एंड मुझे लगता है ये जो ओनर है यहाँ के वो चाइना के ही हैं, तो ये सारा मतलब चाइना के हिसाब से ये चीज़ें भी सजा रखी हैं इन्होंने सारी। तो सबसे पहले तो मैं मेन्यू देखती हूँ, बाकी सारी बातें बाद में। नूडल्स तो आ गए हैं फाइनली, ये रही, एंड इन्होंने सॉस सही बनाई है, ये देखो ये
सही है, सॉस तड़के वाली नहीं है, मेरा मतलब कहने का ये है सिर्फ नूडल्स बॉईल करके इसकी सॉस तैयार करी है एंड उसमें डाल दिया, तो ये तो मस्त आ गया है। सबसे पहली चीज़ तो लहसुन की बहुत तगड़ी स्मेल आ रही है। मिर्ची ठीक है, मैंने कहा था मीडियम रखना, मीडियम ही रखी है। बाकी सॉस है जो वो ठीक बनाई है, मतलब मैंने इससे बेहतरीन खाया था पुरी में, उड़ीसा पुरी में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वहाँ पे मैंने इससे बेहतरीन खाया था, लेकिन ये भी ठीक है। और नूडल्स बहुत सारे खाए थे म्यांमार की तरफ भी, जो म्यांमार चाइनीज़ बॉर्डर भी था। तो फिलहाल पेट पूजा चल रही है भाई यहाँ पे। और यार इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट करके डाला अभी तक मैंने, तो यार थोड़ा सा मैं खा लूँ उसके बाद आपसे ना बातचीत करती हूँ, थोड़ा पेट भर जाए। नूडल्स खाए जा रहे हैं, भोजन नहीं हुआ, लेकिन दूसरी चीज़ ऑर्डर करी थी ये, तो दूसरा ये आ गया है। ये सूप है और इसमें इंडिया में हम मोमोज बोलते हैं, इसके अंदर डम्पलिंग्स हैं। तो दूसरी चीज़ ये ऑर्डर करी है, इसका नाम था वॉन्टन सूप, तो ये अभी भी खाया जा रहा है भाई। मनीष नहीं खा रहा यार, उसको अच्छा नहीं लगता भाई, वो नहीं खा रहा। तो यार अब सूप खाया जा रहा है भाई, सूप तीखा नहीं है इतना। इसमें मैंने ना सोया सॉस डाल दिया था थोड़ा, ये लोग सोयू बोलते हैं तो, लेकिन जो चाइना साइड के इस तरफ के मसाले हैं वो सही हैं, उसका टेस्ट सही आ रहा है। यार मैं बड़ी मुश्किल से बात कर रही हूँ कैमरा में, खाते टाइम में से ऐसे ही कैमरा नहीं उठता, लेकिन कोई नहीं, अभी एक काम है तो कुछ भी चलेगा। गरम ये नूडल्स डाल रखे हैं, ये नूडल्स हैं जो ये दिख रहा है ना, ये नूडल्स हैं इसमें। मेरे को मनीष पे भाई इतना तरस आ रहा है, कुछ नहीं खा रहा। इतनी नफरत क्यों भाई, नफरत की बात नहीं है, तो टेस्ट तो कर ले, खत्म कर लूंगा तो खा तो सही। होने वाला है फिर, खत्म होने के बाद टेस्ट करेगा भाई। मनीष टेस्ट करने जा रहा है नूडल्स को। मुझे मेरी बनाई हुई और मम्मी के बनाई हुई नूडल्स ही पसंद आती है। हाँ कोई नहीं, ये वैसे भी चाइना का फ्लेवर है इसमें, चाइना से वैसे ही अपनी कम जमती है। मैं तो भाई मुझे तो बड़ा पसंद है चाइना और जापान का खाना। कैसी लगी बेकार, ठीक है ना? ठीक है भाई, ठीक लगी उसको। अपने को तो बहुत जमता भाई चाइना का फ्लेवर, तो भाई मनीष ने भी कर दिया शुभ मुहूर्त नूडल्स का, बस आसान थे। तो अभी भी भाई चल रहा है खाना ना, और ये इंस्टाग्राम पे लाइव भी चल रही है, तो मल्टीटास्किंग हो रहा है। तो भाई खाना वाना हो गया, ये थोड़ा सा बच गया क्योंकि मैंने अकेले ने खाया सारा, पेट मेरा फुल से भी ज़्यादा हो गया। मस्त था, मिर्च थी ऑफ़ कोर्स, होगी एशिया का खाना है, लेकिन जो भी है जब आप नूडल्स खाते हो ना मिर्च खुद बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन इतनी तेज़ भी नहीं थी, मैंने उसको कहा था मीडियम रख दियो। तो फिलहाल एक साल बाद हमने नूडल्स खा लिया, लास्ट खाए थे म्यांमार में, और खाना वाना सब हो गया। जगह मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ये सारी जगह ऐसी है, टेबल ऐसे सजा के रखते हैं, और ये चाइना के डेकोरेटिव्स वगैरह हैं सारे जो भी हैं। तो जगह भाई कुछ ऐसी है, नाम आपको मैंने बाहर पहले ही दिखा दिया था। तो डिनर हो गया, अब यहाँ से चलते हैं और बाकी देखते हैं क्या सीन होएगा सर। और सूप पड़े 800 के, कितना होता है भाई इंडिया का? कितनी भी पड़ेगा, हाँ इंडिया का कितना होता है? कीनिया के 800 हैं, ठीक है 500, 550 के। एक मिनट यार मैं बता ही देती हूँ, इतना ही होएगा वैसे तो।
एक साल बाद भाई, एक साल बाद खाए सामते हैं। 530 तो 530 के बड़े हैं इंडिया के। ठीक था यार, ज़्यादा महंगा नहीं था। तो ये नूडल्स और ये सूप, ये 530 के बड़े हैं। तो भाई आज का व्लॉग था चाइना का खाना खाने के लिए, नूडल्स खाने के लिए। भाई पता नहीं अब ये टॉपिक था कि क्या था, लेकिन आज मैंने यही करा है, खाना खाया है, तो इसलिए मैंने व्लॉग बना दिया। मैंने कहा कोई नहीं यार बना देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस रेस्टोरेंट का मेरे को एक साल बाद नूडल्स खिलाने के लिए। और कैब हमारी आ गई है ऑलमोस्ट, कहाँ पे आई है उस तरह यहीं आएगी। तो मैंने यार कैब बुक करते हैं यहाँ पे ये लोग ना जनरली। तो भाई थोड़ा बताइए कैब कैसे बुक करते हैं, कौन सा ऐप है बेसिकली? तो यहाँ पे ऐसा है कि बोल्ट करके एक है, एक ऐप है, ओला उबर की तरह ही है। ओला उबर की तरह है तो उसमें ठीक है, अच्छे रेट पड़ते हैं। उबर थोड़ा सा चार्जेस हाई लेता है यहाँ पे, हाँ, पर इंडिया के मुकाबले थोड़ी सी महंगी है कैब। हाँ, यहाँ पे ऐप फोन में ये है, तो ये ऐप है यार बोल्ट करके ना, इसमें कैब वगैरह बुक कर लेते हैं ये लोग और सारा सिस्टम फिर इसी में ही है। ये आ गई भाई गाड़ी और अब हम जाने वाले हैं घर। कुछ बिल्लियां दोस्त बन रखी हैं, ये रही पता नहीं कैमरा में आजा नीचे आजा। हाँ 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 हाँ, और फिर आजा नीचे चल। तो यहाँ पे भाई कुछ बिल्लियां दोस्त बन रखी हैं। अब इनका हो गया खाने का टाइम, तो यहाँ पे इनका खाना डल रहा। और यही दिखाने के लिए मैं आ गई दोबारा से ऑनलाइन। बाकी चलते हैं भाई, गुड।